ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सोल्यूशन में बात कर रहे हैं कि आपका पसंदीदा रंग आपके बारे में क्या कहता है, साथ ही में कलर थेरेपी को लेकर के भी चर्चा करेंगे। निर्मला जी, ब्रेक से पहले हमने जाना कि जो रेड होता है, येलो ऑरेंज कलर के जो फेवरेट लोग होते हैं उनका क्या पर्सनालिटी रहता है। अब पिंक कलर के बारे में बात करना चाहेंगे, जिन्हें गुलाबी रंग बहुत पसंद आता है। बहुत रोमांटिक किस्म के होते हैं, बहुत ही आर्टिस्टिक कलर है जिनको पिंक पसंद आता है। सारे पिंक के चाहे टिंट हों चाहे शेड्स हों, उसके अकॉर्डिंग उनकी पर्सनैलिटी बनती है और क्रिएटिविटी होती है। जैसे मान लीजिए किसी को रानी कलर पसंद है ना, तो वो अक्सर डांसर्स लोग को रानी कलर पसंद आता है। और जो कूल पिंक कलर है तो वो पेंटर होते हैं। तो आकांक्षाओं का, महत्वाकांक्षाओं का, ड्रीम्स का, स्वप्नों का रंग है पिंक कलर जी। पिंक कलर बहुत सॉफ्टनेस देता है इंसान के व्यक्तित्व में, बहुत सलीका पसंद होता है जिसको गुलाबी कलर पसंद आता है। लड़कियाँ इसीलिए पिंक कलर ज़्यादा पसंद है, पिंकी बेबी उनको इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनको पिंक कलर इसीलिए, क्योंकि वो टाइडी और सुंदर होती हैं, सौंदर्य का रंग है पिंक जी। कूल कलर्स के बारे में बात करेंगे, ठंडे रंगों के बारे में, लेकिन उससे पहले कॉलर हैं जयपुर से, मनीषा जी हमारे साथ हैं। मनीषा जी बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो जी जी। हाँ जी मनीषा, पूछिए पूछिए मनीषा जी। हमारे के घर में ऐसे दिमाग से चलते रहते हैं, उसको सुख शांति कम मिलेगी। मुझे आवाज ही साफ नहीं आ रही मनीषा जी, एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दीजिए। हमारे घर में सुख शांति नहीं है, कब सुख शांति मिलेगी? मनीषा जी, मुझे लगता है कि आपके घर में थोड़ा सा वाइब्रेशन का दोष है और वस्तु स्थिति का दोष है, तो पहले तो उसको भी ठीक करिए और दूसरा वाइट ऑफ वाइट कलर की दीवारें रखिए तो फिर शांति आएगी। और कुछ जानना चाहती हैं आप? इसे यहीं तक लिमिट करेंगे निर्मला जी। अब हम हरे रंग के बारे में बात करना चाहेंगे, कूल कलर्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं। हरा रंग जिन्हें बहुत पसंद होता है। हरा बेसिक कलर है और हरा प्रकृति का कलर है। देखिए जिसे भी हरा कलर पसंद आता है वो खुशहाल होता है, प्रॉस्परिटी का कलर है, समृद्धि का कलर है। जिसको भी हरा रंग पसंद आता है वो बहुत अंदर से खुश होता है और अपनी खुशियां दूसरों को बांटता है, गिविंग होता है। प्रकृति अपने आप में हरे रंग के, देखिए तो वसुंधरा कितना देती है हमको। हरा रंग माने धरती का रंग, पेड़ पौधों का रंग, तो कायनात कितनी खुश होती है उनसे। जितने भी साउथ इंडियंस होते हैं वो हरी प्रकृति के गोद में रहते हैं और उनको हरा रंग अक्सर कर पसंद आता है जी। और वो जो डार्क ग्रीन और जो लाइट ग्रीन के बारे में हम बात कर रहे थे, लाइट ग्रीन अगर किसी को पसंद है तो देखिए वो क्रिएटिव साइड में होगा, और जिसको गहरा रंग पसंद है वो मेहनत कश होगा, उसको मेहनत बहुत पसंद आएगी और वो मेहनत से अपनी प्रॉस्पेरिटी। अच्छा, जिनको हरा कलर पसंद आता है वो ऑनेस्ट भी होते हैं। और देखिए अगर धर्म के हिसाब से प्रतीकात्मक माने रंग, तो हरा रंग मुस्लिम कुरान का रंग है ना, पाक कलर है। और आप देखिए रमजान का पाक महीना भी चल रहा है ना, जैसे सैफ्रन केसरी कलर जो है हमारे हिंदुत्व का प्रतीक है, तो इस तरीके से हरा पाक भी बहुत है, पायस कलर भी बहुत है, उसको देख के खुश होता है। आप देखिए जितना भी किसी भी रूप में ग्रीन कलर देखिए आप खुशी महसूस करेंगे जी। निर्मला जी, आगे बढ़ने से पहले एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राजसमंद से राजू जी है। राजू जी बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मेरी बीवी को बहुत गुस्सा आता है, बार बार वो बार बार झगड़ा करती है और गुस्सा करती है जी। तो आप जन्म तारीख 15/7 की उसकी जन्म तारीख है, बार बार वो गुस्सा करती है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो आप उनका कहना नहीं मानते इसलिए गुस्सा करती है। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी वापस से। 15/6/87। हमको लगता है इन दिनों गुस्सा कर रही है, लेकिन हमेशा उसका टेम्परामेंट गुस्सेला नहीं है, वो स्वभावत है गुस्सा नहीं करने वाला इंसान है। तो उनसे उनके हाथों से केला दान करवाइए 10-12 दिन, तो वो फिर थोड़ी शांत होंगी। किसी बात पे गुस्सा करती है, हमको लगता है वो स्टबन ज़्यादा है और टेम्पर वाइज शॉर्ट नहीं है, कोई होगा कारण तब गुस्सा करती हैं जी। निर्मला जी, ब्लू रंग, जिनको नीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वो किस तरह के लोग होते हैं? देखिए नीले के अगर जो स्काई ब्लू की बात करती हैं तो वो एम्बिशन का प्रतीक है, ऊंचाइयों का प्रतीक है, आगे जाने का प्रतीक है ना। लेकिन अगर गहरा नीले रंग की बात करते हैं, इंडिगो या गहरा, तो वो डाउन टू अर्थ, बहुत नम भले लोग होते हैं जिनको ब्लू कलर, जो आप जैसे जीन्स पहनते हो वो वाले ब्लू कलर या इंडिगो कलर पसंद आते हैं, वो डाउन टू अर्थ लोग होते हैं। उनको पेशेंस होता है, उनमें धैर्य होता है, गंभीर होते हैं वो,
और आउटपुट देते अपनी चीज़ को, जब तक पूरा नहीं हो जाता उनका कर्म काम तब तक वो उसको करके ही उठते हैं, माने पैशन होता है उनको, अपने काम के प्रति जुनून होता है। नीला रंग बहुत अच्छा रंग माना जाता है जी, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का रंग है नीला रंग जी। निर्मला जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं जयपुर से, गिरिराज जी आपसे बात करना चाहते हैं। गिरिराज जी स्वागत है, सवाल पूछिए जी, पूछिए जी, जी सवाल पूछ लीजिए। सवाल पूछो क्या जी, पूछिए जी। काम धंधा है, काम धंधे सारे बिगड़ गए, दो पैसे ऊपर हो गए। डेट ऑफ बर्थ बताइए आप अपना। 15/7/1973 है। 1973, तो आप जानना क्या चाहते हैं कि ये बुरा वक्त कब पूरा होगा? हाँ जी, ये बुरा वक्त तो हमको लगता है सितंबर के बाद से थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू होगा, लेकिन जो दो पैसे ऊपर माने कर्जा है उसको चुकाने में हमको लगता है 3-1 बरस लग जाएगा। तो हमको कोई काम धंधा ऐसा कोई मार्गदर्शन, क्या काम करना चाहते हैं बताइए। परिवार का लालन पालन भी और कर्जा भी चुके। नहीं नहीं, क्या क्या काम करना चाहते हैं आप, लोहा से रिलेटेड या लकड़ से, क्या करना चाहते हैं? सर्विस, नौकरी से संबंधित। नौकरी तो आप टिक के कर ही नहीं पाते हैं भाई साहब। तो ऐसी कुछ आपके हिसाब से बताऊं तो वो कर लेंगे। काम काम करिए, जो अपना काम करिए, जो कि लोहे से या लकड़ी से रिलेटेड हो या केमिकल से, उसमें कामयाबी मिलेगी। नौकरी करेंगे तो छोड़ देंगे आप। अच्छा, कंसिस्टेंसी नहीं है नौकरी में। लकड़ी, लोहा और केमिकल, केमिकल तीनों चीजें सूट करती है आपको, पत्थर भी सूट करता है जी। निर्मला जी, हम रंगों के बारे में बात कर रहे हैं, हर सीजन का, हर मौसम का एक अलग रंग रहता है और हर जगह में, जैसे हम देखेंगे राजस्थान में पीली मिट्टी है, साउथ में ज़्यादा हरा भरा रहता है, वो किस तरह से हमारे कल्चर को, हमारी पसंद नापसंद को अफेक्ट करता है, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप दर्शकों को बता दें। देखिए, प्रकृति ने ना रंगों में विविधता डाल के बैलेंस किया हर चीज़ को, ना जैसे राजस्थान रेतीला था ना, तो उसने सुनहरी मिट्टी का प्रदेश बनाया। साउथ में सागर है ना, तो नीला रंग तो वैसे ही है सागर का, ऊपर से वो ग्रीनरी है ना, तो उनका ग्रीन रंग है। तो वहाँ पे देखिए रंगों की विविधता है, वो अपने आप में हरा भरा है, तो वहाँ के लोगों को शांत कलर पसंद है। इवन उनके तो विवाह का रंग भी ऑफ वाइट ही होता है ना, जो पहन करके शादी करती हैं। और हम लोगों को क्योंकि प्रकृति की विविधता नहीं थी, फूल नहीं थे, पेड़ पौधे नहीं थे, तो हम फिर अपने कपड़ों में है ना, अपनी स्वभाव में उन रंगों को लाके अपने जीवन को रसमय और विविध बनाते हैं। देखिए राजस्थान के जो रंग होते हैं वो गहरा लाल और वो ऑरेंज, टिपिकल सा पिंक है ना, पिंक सिटी पिंक है, जो अंग्रेज लोग ऑरेंज कलर को हमारे पिंक कह गए। तो इस तरीके के रंग हम अपनी जीवंत बनाने के लिए जीवन को चुने और खुश रहते हैं उनको पहन के, तो इस तरह कंपनसेट करते हैं। बंगाल में जाएंगे तो आसाम में जाएंगे वो वैसे ही हरे भरे हैं, फूल फूल बहुत लगते हैं, पत्ते पेड़ बहुत होते हैं, टी बागान है, तो वो उन बेचारों के बिहू होगी तो भी वो रेड बॉर्डर की वो साड़ी पहनेंगे, वाइट है ना लाल पाट पहनेंगे। तो रंग हमारे जीवन और प्रकृति चारों ओर होते हैं और उसके अकॉर्डिंग मौसम के अनुसार और हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको चुनते हैं फिर अपने जीवन में और अपने जीवन को रसमय करते हैं, रंगों से कंपनसेट करते हैं। निर्मला जी, आज के इस डिस्कशन को हम यहीं तक लिमिट करेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे। दर्शकों, आज हमने बात की कि आपका पसंदीदा रंग आपके बारे में क्या कहता है, लेकिन कल हम बात करने वाले हैं कलर थेरेपी की, किस तरह से आप रंगों से अपनी मानसिक, अपनी शारीरिक परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो कल भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, निर्मला जी भी हमारे साथ होंगी 2:28 पर सोल्यूशन। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।